पवन सिंह अपनी हर एक फिल्म से, अपने हर एक एल्बम से, या यूं कह लें कि अपने हर एक नए प्रोजेक्ट से सबका मुंह बंद कर देते हैं। जी हाँ, इस बार उनके सावन के एल्बम के एक गीत ने बड़ी ही धूम मचाई है। कहा यह जा रहा है कि पवन सिंह के हरी चूड़ियों के गाने की वजह से बिहार में इस बार हरी चूड़ियों की डिमांड बढ़ गई है। खैर, ये सब बातें हम आपको बताने नहीं जा रहे, हम आपको कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट करने वाली बात बताने जा रहे हैं। हम ये बताने जा रहे हैं, आपको बता दें कि ये गाना जैसे ही यूट्यूब पे रिलीज़ हुआ, इस गाने ने महज 9 घंटे में 1.3 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए, जो कि अब तक भोजपुरी में जितने लोगों का सावन के ऊपर गाना निकला है उसमें से सबसे फास्टेस्ट ग्रोथिंग वाला सॉन्ग है ये। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पवन सिंह के इस गाने को लेकर लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, लोग इस गाने का ऑडियो वीडियो दोनों देखना चाहते थे। इसलिए शायद पवन सिंह को समझ आ गया था कि अब किस तरह से जनता के बीच अपनी इस गाने को लाना है। कहाँ तो खेसारी लाल यादव के गानों ने धूम मचाई थी, लेकिन अब नहले पे दहला दे मारा है पवन सिंह ने। अब आने वाले समय में देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन भोजपुरिया दिलों पर राज कर पाता है इस सावन में। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।